Another day, another show. And again, a lot to discuss. Pakistan cricket mein kuch na kuch hota rehta hai. The happening is happening and happening and happening all the time. So yes, bahut sari baatein hain karne ke liye. Aaj press conference bhi hui. Ek taraf Harry Brook to dusri taraf South Shakil. Kya kya baatein hui? और फिर रावलपिंडी टेस्ट जो कि 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सबकी नज़रें अब सवेरा रावलपिंडी के उस टेस्ट मैच पर हैं जहाँ पर सीरीज़ का भी फैसला होना है। और पाकिस्तान की टीम की दूसरे टेस्ट मैच में कारकर्दगी के बाद शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से जो कारकर्दगी जिसका मुजाहिरा किया है पाकिस्तान टीम ने, उसके बाद लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम उन्हीं तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और कारकर्दगी को दोहराएगी। बिल्कुल जी, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जिस तरह दूसरा टेस्ट मैच खेला गया और फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ऑब्वियसली सीरीज में एक एक से बराबर हो गई, दिस वुड बी द डिसाइडर टेस्ट मैच। उसके हवाले से बड़ी इस वक्त बातें भी हो रही हैं कि कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्या 11 होगी, बिकॉज इंग्लैंड ने तो अपनी 11 का ऐलान कर दिया है। और इंग्लैंड ने क्या 11 का ऐलान किया है उससे हम शुरुआत करते हैं अपने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। सो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड को अंदाजा हो गया, हीटर भी लग रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं। तो स्पिनर्स की जरा भरमार बढ़ाई जाए तो रिहान अहमद, जैक लीच और शुएब बशीर तीनों जो हैं वो 11 में मौजूद होंगे। सो तीन स्पिनर्स के साथ उतरने वाली है इंग्लैंड। आज वो मतलब इसका ये भी कहा जा सकता है ना कि पाकिस्तान का अगर उन्होंने इलाज करना तो पाकिस्तानी दवा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, तीन के मुकाबले में तीन स्पिनर, तो स्पिनर उसी लेवल पर आते हैं, उसी जगह पर आएंगे। और पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान मीर हमजा को इत्तला के मुताबिक खिलाना चाहता था और पाकिस्तान भी दो स्पिनर्स के साथ जाने के इत्तलात हैं क्योंकि नुमान अली और साजिद ये दोनों बड़े तजुर्बाकार स्पिनर्स हैं, लंबी बॉलिंग कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास सऊद और सलमान की मौजूदगी में स्पिन बॉलिंग में ऑप्शंस हैं। एक फास्ट बॉलर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक ये सुनना टीम मैनेजमेंट शामिल करना चाह रही है और वो हैं मोहम्मद अली। जाहिद महमूद ड्रॉप हो रहे हैं। मीर हमज़ा के बारे में जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि शायद वो उतने ज़्यादा फिट नहीं थे कि उनको इस दूसरे टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा बनाया जाता। अब मोहम्मद अली के बारे में इत्तलात ये हैं कि वो जाहिद महमूद की जगह इस आखिरी टेस्ट मैच में सीरीज़ के टीम का हिस्सा होंगे। बिल्कुल जी, मीर हमज़ा पे सबकी नज़रें थी मगर पिछले दो दिन से मीर हमज़ा ने जो है वो ट्रेनिंग सेशन का वो हिस्सा नहीं बने। तो आज सऊद शकील से भी वो सवाल पूछा गया जिस पे उन्होंने कहा कि हिप मसल इन्फ्लेशन है उनको कुछ, तो लेट्स सी कि मीर हमज़ा वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस आई बिलीव, बट ये कि ठीक है इस वक्त तक अगर वो थर्सडे तक, यू नेवर नो, अगर फिट हो जाते हैं तो क्या पता वो आपको सामने 11 में दिख रहे हो। बट 11 कब तक अनाउंस करती है पाकिस्तान टीम, अब रोक कर रखेगी, सरप्राइज फैक्टर को रहने देगी, या इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया तो पाकिस्तान टीम के ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो देख लेंगे जब 11 सामने आएगी। आईसीसी मीटिंग, हम बड़ी मुसलसल बात कर रहे थे एजीएम मीटिंग, आईसीसी मीटिंग होगी, कल आईसीसी मीटिंग का आखिरी दिन था, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई मगर जिस चीज़ का हमें शिद्दत से इंतजार था उसकी कोई खबर नहीं आई। उसकी खबर भी आनी चाहिए और जो चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया आईसीसी मीटिंग का, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से जो रिपोर्ट थी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तामीराती काम भी चल रहे हैं बुनियादी तौर पर, तो ये फिर आईसीसी के वफूद भी आते हैं यहाँ पर शिरकत करने के लिए। तो ये बताया ही जाता है कि बोर्ड मीटिंग में जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने इस पर पाकिस्तान में जो तैयारियां उस पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आगे बढ़कर एक कदम दावत भी दी है कि जो रुकन ममालिक हैं पाकिस्तान में जिन्होंने शिरकत करना है वो आएँ, यहाँ पर दौरा करें, इंतजामात का जायजा भी ले सकते हैं। यकीनी तौर पर इससे जो अबहाम है लोगों के जहनों में अगर कोई खदशा पाया जाता है तो वो उससे खत्म हो सकता है और पाकिस्तान बड़े बेहतर अंदाज में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ बतदरीज और मरहलावार आगे बढ़ता चला जाएगा। ये एक चीज़ जो अब तक हमें पता चली है वो ये है के जो रुकन ममालिक हैं आईसीसी के उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। बिल्कुल, मगर साथ ही साथ रोक के वो खबर रखी हुई है, शायद हम ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, उनके लिए वो कोई खबर ही नहीं हो, नॉर्मली स्मूथली क्या पता ऐसा हो जाए कि इंडिया ट्रैवल कर जाए पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। बट सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं हुई आईसीसी की इस मीटिंग में, और बहुत सारी गुफ्तगू हुई। एक तो जय शाह साहब का ये कहना कि वो जो प्लान्स लेकर आए हैं उनको कम से कम 6 साल चाहिए उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और 6 साल लगेंगे उनको उन प्लान्स को अप्लाई करने के लिए कि वो आईसीसी को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। यानी उन्होंने वो पुट फॉरवर्ड किया मैसेज कि वो अगले 6 साल के लिए आईसीसी को हेड करना चाहते हैं। बट और भी तजावीज
जो हैं वो सामने आई, जैसे कि दो बॉलों का इस्तेमाल सिर्फ 25 ओवर तक किया जाए और उसके बाद एक बॉल का इस्तेमाल किया जाए, कि वो बैलेंस ऑफ बॉलर और बैटर की जो हम बात करते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली हो गई है क्रिकेट इन द रीसेंट टाइम्स, जो एमसीसी के रूल्स बदलते रहते हैं उसमें। सो इससे ये होगा कि एटलीस्ट रिवर्स स्विंग इन एक्शन आ जाएगी, आपको जो है 25वें ओवर के बाद सिर्फ एक बॉल मिलेगी यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। सो अलग अलग तजावीज सामने आई हैं खेल को दिलचस्प बनाने के लिए। चूंकि बॉलर्स फ्रेंडली था, बैटिंग फ्रेंडली ज्यादा था, बॉलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ रही थी, जैसे जैसे वाइड बॉल में रन्स बनते चले जा रहे थे, तो उस हवाले से ये तजवीज़ अच्छी है कि अगर आप 25 ओवर एक बॉल के साथ खेलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कम अज कम बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो जो आपने जिक्र किया है कि शाह साहब ने कहा है कि मैंने 6 साल यहाँ पर रहना है। बिल्कुल जी, 6 साल की बात की, बट विद दैट मेरा ख्याल से व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं तो उन्हें खुश हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उनको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, और बहुत शुक्रिया आपका भी, काफी दिन बाद एक मिशन साथ के साथ होने जा रही है। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन इन किया है पाकिस्तान के अनदर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब। सो वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सलाम सवेरा, मैंने चला। सो यस, ये आर पार्टी इज बैक टुगेदर। और भट्टी साहब, एक्सपेक्टेशंस थी आईसीसी की मीटिंग होगी, हमें पता चलेगा इवेंचुअली कि ऊंट किस करवट बैठा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, इंडिया आएगा नहीं आएगा, वो किसी ने जिक्र ही नहीं किया उस बात का। देखिए यही हैरत की बात है कि कल से जितनी भी खबरें चली हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, आईसीसी अभी इस मामले पे खामोश है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी तक फाइनल अगर हुआ भी है तो अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि अब तो 3 महीने रह गए और पीसीबी ने डेडलाइन दे दी कि 31 दिसंबर तक सारा जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो पिछले वीक जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबता किया, उनसे कहा कि अगर आप हमें मल्टीपल वीजा दे दें और चार्टर्ड फ्लाइट दे दें तो फिर हम भारत में दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ किसी एक जगह पर अपनी टीम को ठहराते हैं, उसके बाद टीम मैच वाले दिन सुबह आ जाएगी लाहौर और उसके बाद रात को वापस चली जाएगी। तो पाकिस्तान ने इन दोनों बातों को मान लिया। एक और जो उन्होंने, उनके ब्रॉडकास्टर जो है, इंडियन ब्रॉडकास्टर जो कि आईसीसी के, उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो लाहौर से पिंडी शिफ्ट कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो, क्राउड डिफरेंट हो, ग्राउंड डिफरेंट हो। तो पाकिस्तान ने कहा चले सो बिस्मिल्ला, आप आए तो सही, हम आपकी ये तजवीज भी मानना है। ये सारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई और पीसीबी ने ईमेल भी एक्सचेंज किए बीसीसीआई के साथ, लेकिन अभी तक सरफेस पे कुछ भी नहीं है ऑफिशियली। हम ना पीसीबी की तरफ से सुन रहे हैं, सिर्फ ये सुन रहे हैं कि टूर्नामेंट एज पर शेड्यूल है, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से जो खामोशी है वो बहुत सारे सवालात को जन्म वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है।